सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहां पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी मेरी माताजी को जिताया, और इस किसी आधार पर नहीं जिताया, जिस आधार पर आपने जिताया वह यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला। मैं जब बच्ची थी यहाँ आती थी तो मुझे ऊसर जमीन दिखती थी, सारे खेत सफेद होते थे। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, अब मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ। 10 साल की थी तब पहली बार आई थी, तो मैंने जब सफेद जमीन देखी तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये जमीन सफेद क्यों है, मैंने तो कभी देखी नहीं थी ऐसी। तो कहने लगे कि इसमें नमक बहुत होती है, ये उपजाऊ जमीन नहीं है, इसमें कुछ उगता नहीं है। वो तब की स्थिति थी। और आज जहां जहां जाए आपको अमेठी में हरियाली दिखती है, तो जो नौजवान है उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। दो योजनाएं लाए थे, एक ऊसर सुधार के लिए और एक सिंचाई के लिए। उस समय जब वो गांव में जाते थे, किशोरी भाई साहब बता रहे थे कि किसानों से बात करते थे तो किसान कहते थे कि उपज इतनी है कि हम 7-8 महीनों के लिए अपने परिवार को खिला सकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, हमको खरीदना पड़ता है। तो पिताजी के मन में ये था कि यहाँ पे अगर सिंचाई अच्छी तरह से आ जाए और जमीन उपजाऊ बन जाए तो बहुत फायदा होगा किसानों का। तो सबसे पहले काम तो उन्होंने यही किए। उसके बाद उन्होंने विकास के कार्य किए, बड़े बड़े उद्योग खुलवाए यहाँ, BHEL, HAL, बड़ा अस्पताल खुलवाया, संजय गांधी अस्पताल, और ऐसे तमाम काम किए। आज जो सड़कें अमेठी को बाकी देश से जोड़ती हैं, ये जो बड़ी बड़ी हाईवे हैं, ये भी सोनिया जी के कार्यकाल में बनी और राहुल जी के कार्यकाल में बनी। तो यहाँ पे जितना विकास हुआ आपने देखा कि अगर निष्ठा से कोई काम करता है, नियत सही होती है तो नीति भी सही होती है, विकास अच्छी तरह से होता है। और आपने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। बहनों, आपके गांव जब आते थे आपसे अच्छी खासी डांट खाते थे। ये स्थापित की आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो, अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया, इसमें तार नहीं लगा, इस बार वोट नहीं देंगे। मजाक से भी प्यार करते थे बहुत, लेकिन जब डांट लगानी थी तो डांट भी लगाते थे। पैदल घूमे हैं, देखिए पैदल घूमे हैं, खुद गाड़ी चला के घूमते थे, चाहे वो हो, चाहे सोनिया जी मेरी माता जी हो या उनके बाद राहुल जी हो। हम सब ने भी अपनी राजनीतिक सभ्यता आप ही से सीखी, क्योंकि आपने पिताजी को दिशा दिखाई। हमेशा जब कुछ अच्छा नहीं लगा तो डांट दिया, कुछ अच्छा लगा तो प्यार भी कर दिया, प्यार से मिले जुले। तो ये एक सभ्यता, एक जो श्रद्धा रही आपके बीच और उनके बीच, एक तरफा नहीं था। ये नहीं था कि आप श्रद्धा कर रहे हैं लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ की जो सभ्यता है राजनीतिक, और यहाँ की जो पुरानी परंपरा है जो आप ही ने स्थापित की यहाँ और रायबरेली में, दोनों जगह, ये इस देश की पुरानी राजनीतिक परंपरा होती थी। महात्मा गांधी जी भी पैदल आपके बीच आए, चले, और जब आंदोलन किया उन्होंने तो हमारे धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म ने जो सिखाया था कि सत्य के पथ पर चलो, सत्यमेव जयते उनका नारा था। और आप ही ने देखा, जो बुजुर्ग है यहाँ, जो आपके पूर्वज हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने झुकाया सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। जमीन दी किसानों को,
आजादी के बाद, फिर इंदिरा जी ने भी पट्टे दिलवाए। तो ये सब काम थे जो मिलजुल कर हुए जब जनता और नेता एक साथ काम करते थे। मतलब नेता का इतना घमंड अहंकार नहीं होता था कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये आपने यहां स्थापित किया, यहीं से शुरुआत हुई। और बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए 100 साल पहले तक के, किसानों ने जो आंदोलन किए वो भी यहीं से शुरू हुए। किसान यहीं शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जब स्थापित हुआ देश में, जब देश आजाद हुआ, तो उसका मतलब क्या था बहनों? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में जैसे अगर आपके पास वोट का अधिकार है, आप गांव की महिलाएं हैं, आपके पास उतना ही अधिकार होगा जितना प्रधानमंत्री जी के पास होगा। आपके पास भी वोट है, उनके पास भी वोट है। लोकतंत्र ने आपको ये शक्ति दी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, लोकतंत्र के लिए आपको भी एक वोट, इनको भी एक वोट, हमको भी एक वोट दिया गया है। और इस वोट से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने अधिकारों को मजबूत कर सकते हैं, आप एक नई सरकार चुन सकते हैं कि भाई आपके लिए काम क्या करेगी, वो समझ के अपनी जागरूकता से। तो यहाँ की परंपरा जागरूकता की रही है, लोकतंत्र को मजबूत रखने की रही है। अब पिछले 5-10 सालों में यहाँ एक नई राजनीति आई, उसमें सेवा का नाम नहीं था, श्रद्धा का नाम नहीं था। आपकी जो सांसद हैं वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका, कौन बताएगा? राहुल जी को हराना। उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी, यही मकसद था। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम झूठ फैलाए। हमने आपके लिए वो समूह की परियोजना शुरू की थी, महिलाओं के लिए, बहुत महिलाएं उसमें थी। उन्होंने कहा हम उसके जरिए आपसे जमीन लूट रहे हैं। सारा पूरे देश में फैला लिया कि हम जमीन लूटने के लिए ये परियोजना बनाई। तो अब जितनी भी महिलाओं को लाभ हो रहा था उन परियोजना के होने से बंद हो गया, परियोजना ही आस्ते बंद करनी पड़ी। तमाम केस डाल दिए उन पे। उनका मकसद हमेशा से नकारात्मक रहा है, कोई सकारात्मक मकसद नहीं रहा। तो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके प्रति श्रद्धा थी, या आपके साथ एक रिश्ता था, या फिर आपका विकास कराना था। वो तो यहाँ इसलिए ही आई अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए। बस मकसद पूरा हो गया, पिछले चुनाव में भैया हार गए, तो फिर विकास काम है सबका नामो निशान नहीं। सिर्फ जब टीवी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तब आती हैं सामने और फिर भी झूठ फैलाती हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। तो आपके लिए कोई योजना नहीं लाई है। तो यही होता है जब गलत तरह की राजनीति आती है जो सच्चाई पे आधारित नहीं होती है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि आपको सच बताएं। अगर आप बोलोगे कि यहाँ हाईवे बना दो और हमें लगता है कि ये नामुमकिन है, नहीं बन सकती, तो हम बता देते कि दीदी यहाँ हाईवे नहीं बनेगा, लेकिन एक सड़क बना देंगे, अच्छी सड़क बना देंगे, हाईवे नहीं बन सकता यहाँ। सच बता देते थे जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। और यहाँ एक और प्रतीक बना कि किस तरह से जब केंद्र में भी सरकार होती है और प्रदेश में भी सरकार होती है तो किस तरह से विकास हो सकता है। उस जमाने में जब पिताजी प्रधानमंत्री थे तब पूरा देश देखता था अमेठी की ओर और देखते थे, कहते थे कि देखो कितना विकास हुआ है वहां। बल्कि तब आलोचना ये होती थी कि राजीव गांधी जी सारा विकास का जितनी भी निधि है अपने ही संसदीय क्षेत्र में डाल रहे हैं, ये आलोचना होती थी। लेकिन ये आलोचना कभी नहीं हुई कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो ये सब आपकी परंपरा रही है। आज देश में जो राजनीति है कमाल की राजनीति है। आज का जो भाजपा का जो नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके यहाँ के सांसद हो, ये सब सोचते हैं कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर आकर आपसे वोट ले लेना है। तो मैं किसी के घर गई यूपी में, जब मैं फिरोजाबाद में मैं काम कर रही थी, किसी के घर गई, एक महिला थी घर में,
तो मैंने पूछा कि पानी आ रहा है? नहीं। अच्छा, सड़क बन गई तुम्हारी? नहीं बनी। बिजली आती है? नहीं, दो दो घंटे आती है। रोजगार मिला किसी को? नहीं मिला। बच्चे पाठशाला जाते हैं, यहाँ कोई अध्यापक नहीं आता, हम लोग जो पढ़ा सकते हैं पढ़ा लेते हैं। फिर मैंने पूछा, अच्छा वोट किसको देंगी? तो कहती है, उसी विधायक को देंगे जिसको पिछली बार दिया है। और मैंने कहा, उससे पहले? कहती, उसी को दिया। तो मैंने कहा, तो काम क्या किया इसने तुम्हारे लिए? कहती है, कुछ नहीं किया दीदी। मैंने कहा, फिर क्यों वोट दे रहे हो? हमारी जाति का है और हमने शपथ ली है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, हम भाजपा को ही वोट देंगे। हंस रही हो? अच्छा है हंस रही हो। नौजवानों, समझ जाओ ये चीजें। मतलब अंधे होकर आप वोट दे रहे हैं। तो मैंने समझाया कि आप तो वोट दे रहे हैं इनको भगवान के नाम से, धर्म के नाम से, लेकिन इनकी जवाबदेही कहाँ है? कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद आएंगे, फिर से वही बातें, आपके घर आके दुर्दुरिया कर लेंगे, आपको बोलेंगे भगवान के नाम वचन दो कि आप हमें वोट देंगे, आप वोट दे देंगी, काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने जब इस राजनीति को उभरने दिया तो जनता के प्रति जवाबदेही खत्म कर दी है। लगभग 10 सालों में प्रधानमंत्री जी तक के व्यक्ति जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाले हैं, वो भी इतना आदर नहीं करते हैं इस देश की जनता का कि अगर चुनाव में आए हैं प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो कम से कम जनता को इतना बता दे कि 10 सालों में किया क्या है आपके लिए। इतना भी आदर नहीं है। आपसे फिजूल की बातें कर रहे हैं। आजकल मैं देखती हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी कह रहे हैं कि सावधान रहो, अब और हंसोगी। सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे तुम्हारे घरों में, और वो एक्सरे की मशीन तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने को खोज लेगी, और कांग्रेस वाले उसको चुरा के किसी और को दे देंगे। ये बात कह रहे हैं, कोई कम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक जगह तो गुजरात में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी 2 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ी चोरी हो जाएगी, और अगर 2 घर हैं तो ये कांग्रेस वाले 1 घर ले लेंगे, और अगर 2 भैंस हैं तो 1 भैंस चोरी करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब हम लोग, तुमसे छोटी थी मैं जब मेरे पिताजी ने मुझे भेजा यहाँ प्रचार करने के लिए, तो मैंने पिताजी से पूछा कि भाई क्या कहूँ मैं जनता को, तो उन्होंने किसी भैंस की बात नहीं की। उन्होंने कहा, जनता को ये सुनाओ कि हमने क्या काम किए हैं, और समझाओ कि अगर हमें वोट मिलेगा तो हम और भी काम करके दिखाएंगे। तो उस समय का प्रधानमंत्री, और सिर्फ राजीव जी नहीं, उनके बाद वाले भी, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि भाजपा के भी जो वाजपेयी जी थे, वो एक सभ्य इंसान थे। जनता के प्रति उनकी उनकी उनका आदर भी था, और उनको ये भी समझ थी कि जनता के प्रति कुछ जवाबदेही है, कुछ काम करना है। आज के जो नेता हैं, कहीं आपने सरकार चुन ली, उनको पसंद नहीं आई, किसी और पार्टी की चुन ली, घूस दे के, डरा धमका के, तमाम गलत काम करवा के विधायकों से पलटवा देते हैं सरकार, खुलेआम करते हैं ये काम। कोई शर्म नहीं है कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। सब जगह मीडिया भी बताती है कि इस विधायक को 100 करोड़ मिले, उस विधायक को 50 करोड़ मिले, और दल बदल दी, और कोई कुछ कह नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री आपको ये नहीं गिना सकते कि एक काम क्या किया है इन्होंने किसानों के लिए, लेकिन सारी इधर उधर की बातें करेंगे ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कहते हैं कि मोदी जी अकेले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अकेले काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम तो उन्होंने ही निकाली है। पहले नेता भ्रष्टाचार अगर करता भी तो छुप छुप के करता, इन्होंने तो स्कीम बना दी सरकारी इलेक्ट्रोनल बॉन्ड कि जो जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त होना चाहिए। तो जितने भी गलत काम हैं जो नहीं होने चाहिए वो तो हो रहे हैं। देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है। अब मुझे बताओ बहने,
आप दुकान जाती हो, मन में होता है कि 5 चीजें खरीदूंगी, कितनी खरीद के लाती हो? 2, कम से कम 3 चीज तो आप छोड़ देती हो, सोचती हो कि चलो इतनी जरूरी नहीं है, बाद में ले लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप भी मजदूरी करती हो, खेती में किसान मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक काम करता है। आज तो पिछले 6 सालों से ये भी समस्या है कि रात को जाके पहरेदारी करो अपने खेतों की। ये काफी नहीं था कि आपको आपका पसीना बहा रहे हैं ये लोग पूरे दिन। ये काफी नहीं था कि आपको धूप में काम करना पड़ रहा है, आपके हर खेती के सामान पे GST डाल दिया, हर सामान को महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ महंगा, खेती से आप पहले से कमा नहीं रहे हो, ऊपर से आवारा पशु की समस्या जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। 7 साल बीत गए हैं, रोज रात को अब अपने आदत भी बना दी है, आपको तो वो दिन याद भी नहीं होंगे जब आप घर आके आराम करते थे शाम को। और मेरी बहनें मजदूरी करती हैं, काम करती हैं, खेती में हाथ बटाती हैं, तो भी घर पे आके काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, सफाई करती हैं। कोई आराम नहीं है, कोई राहत नहीं है, संघर्ष ही संघर्ष है, है कि नहीं? तो सरकार का क्या काम क्या होता है? आपका संघर्ष बढ़ाना कि उसको घटाना? घटाना, इसीलिए आप सरकार चुनते हैं। तो सारे काम तो किसी से नहीं होते। राजीव जी ने भी 100 काम किए होंगे लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। अभी भी सड़कें हैं जो बनी नहीं है, अभी भी बिजली के खंभे लगने हैं। तो विकास का काम ये नहीं है कि सारा इकट्ठे हो सकता है, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करें। इन्होंने सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दे दी, ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, कोयला, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब बड़े बड़े खरबपतियों के, उन 3 गुना में। अच्छा देखिए, रेल का टिकट 3 गुना महंगा है। हाँ, अच्छा, और फिर आपके लिए भी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मतलब जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, उसके लिए कोई नीति, कोई योजना नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक बहुत सीधी सी बात है, आपको हर चुनाव में ना जनता को आवाज उठानी चाहिए कि ये चुनाव मेरे मुद्दों पे लड़ो, बस इतना ही है, सीधी सी बात है। मुझे नहीं सुनना भैंसों के बारे में, मंगल सूत्रों के बारे में, मुझे नहीं सुनना चुनाव के समय, मुझे इन चीजों से मत बहकाओ। मंदिर मस्जिद की बातें चुनाव के समय मत करो, चुनाव के समय ये बात करो कि मेरी सड़क कौन बना रहा है, मेरे बेटे को रोजगार कौन दे रहा है, मेरी बेटी को सक्षम कौन बना रहा है, मैं अपने पेट को कैसे भरूंगी, ये काम करने हैं, ये बात करो चुनाव के समय। ये देखिए, अगर आप जागरूक बनेंगे ना तो यही होगा, मजबूर हो जाएंगे नेता। एक समय में नेता मजबूर होता था, आपके सामने बड़ा सा बड़ा नेता आता था तो जानता था काम नहीं करेगा वोट नहीं मिलेगा। आज एकदम प्रथा बदल गई है, आज वो सोच रहे हैं धर्म के नाम पर कुछ भी कर ले। सारे खरबपतियों को सारी संपत्ति दे दी, कर्ज माफ हो रहे हैं उनके, 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हो गए उनके, उनके पास पहले से हजारों करोड़ है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि 1 लाख का कर्ज लेता है, 50,000 का कर्ज लेता है, चुका नहीं पा रहा है, खेती से कमा नहीं पा रहा है, खाद मिल नहीं रही है, कुछ खरीद नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को भूखा रख रहा है। आज छोटे से छोटे गांव में, दूर दराज इलाकों में, आज छोटा सा छोटा गरीब परिवार अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। आज वो जमाना नहीं है भाई साहब कि बच्चा बड़ा हुआ और उसको भेज दिया खेती में मजदूरी करने, नहीं है वो जमाना। आज जमाना ये है कि आप कर्ज लेंगे,
आप मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, कुछ भी जुगाड़ करेंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षित करेंगे ताकि बच्चा बड़े होकर रोजगार ले। और स्थिति क्या है? सत्तर करोड़ बेरोजगार जनता घूम रही है देश में, 30 लाख पद खाली। जहां सेना में रोजगार मिलता था, लोग दौड़ लगाते थे, बच्चे मैं देखती थी 3-4 बजे सुबह तक। मैं जब काम कर रही थी यहां 2-3 साल पहले, तो हर गांव में सब दौड़ लगाते थे, परिश्रम करते थे सेना में भर्ती करने के लिए। क्या हुआ? मोदी जी अग्निवीर की स्कीम ले आए कि 4 साल सेना में काम करो, घर जाओ वापस, बेरोजगार हो जाओ, फिर से शहीद हो गए देश के लिए। तो शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, पेंशन ही नहीं मिलेगा शहीद का। पुरानी पेंशन मिलती थी अधिकारियों को, आज पूछिए, वो भी सुरक्षा नहीं है। जीवन भर काम करेंगे, पुराना पेंशन नहीं मिलेगा, कोई नया पेंशन बना दिया है। तो आपके लिए ना सुरक्षा है, ना कोई योजना है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तमाम बेरोजगार है, और सारी संपत्ति, सारी नीतियां बड़े बड़े उद्योगपति के लिए बन रही हैं। ऊपर से जो टीवी के चैनल हैं, जो मीडिया है, जो आपको दिखाती है सुनहरे सपने, वो भी सभी बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। तो आपको तो वही दिखाएंगे जो मोदी जी चाहेंगे, इनकी साठगांठ है। तो सच्चाई क्या है, कौन बताएगा सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हैं कि देश बड़ा आगे चल रहा है, अब अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, 10 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना 70 सालों में हुआ था, मतलब उसका उल्टा कि 10 सालों में इतना काम हुआ है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 सालों में कर लिया, ये बताया जाता है आपको। सही कह रहे हैं कि जो 70 सालों में जो जो खड़ा किया था वो तो सारा इन्होंने बेच दिया। अगर 70 सालों में कुछ बना नहीं होता तो बेचते क्या, देते कैसे अपने मित्रों को? सही बात है। और कई जगह जो काम हमने कम से कम आपके क्षेत्र में जो शुरू किए वो बंद भी करा दिए। यहाँ भैया फूड पार्क लाने वाले थे, उसकी शुरुआत भी हो गई थी, उसको बंद कर दिया। उससे किसानों का कितना लाभ होता। एम्स खुला रायबरेली में, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसको बड़ा होना चाहिए था, उसका छोटा सा खोल के छोड़ दिया है। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है, और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है, जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं, जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, रो रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है फिर से देता है, घोटाला हो जाता है, सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने। और जितनी मुश्किलें वो बढ़ी जा रही हैं, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी जो आपके सांसद होते थे, अरे मोदी जी जब किसानों के बीच में कभी गए ही नहीं हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं हैं, मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुथरा कुर्ता तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर 10 मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं हैं। मेरे पिताजी घर आते थे और दाग भरे रहते थे, धूल सर पर, धूल मुंह पे, धूल, घबराहट हो जाती थी देख के, इधर इधर तक उनके हाथ पे निशान होते थे, दाग होते थे, लोग यूं यूं पकड़ के उनसे मिलना चाहते थे, नाखून के निशान होते थे। और ये आपके प्रधानमंत्री, ऐसी चमक है चेहरे पे कि महिलाएं जी अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहे, तो हम सब भी लगाना शुरू करें, हम भी चमके उनकी तरह। खत्म कर लूं फिर बता लेना। तो मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे,
वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां, और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे, यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है, वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर सेठों के साथ दिखते हैं, कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने का। वहां आपके सांसद जिनको आपने हराया मेरे भाई, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं पैदल, रोज 4 महीनों के लिए चले, क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, ये सुनने के लिए कि देशवासियों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख हैं, किस तरह से हमारी पार्टी इनको दूर कर सकती है। तो ये फर्क है नेताओं में, और ये विचारधारा की फर्क है, और ये एक राजनीतिक सभ्यता की फर्क है, और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। आज कांग्रेस पार्टी आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, मैं अभी बताऊंगी कि क्या है ये गारंटी, और आप फिर सोच सकते हैं कि ठीक है, अब ये भी हमको सुना रही है, चुनाव के समय चली जाएंगी, क्या पता करेंगी कि नहीं है, है ना? तो कैसे, प्रमाण क्या है? हमारी प्रदेश सरकारों ने ये काम किए हैं, जैसे हम कह रहे हैं हमारी केंद्र में इस चुनाव में सरकार आएगी तो हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सब गरीब परिवारों को देंगे। ये काम हमने राजस्थान में किया, राजस्थान में ये लागू हुई ये स्कीम, 25 लाख तक जितना भी आपका इलाज है वो मुफ्त में होगा। मैं राजस्थान में जब गई थी तो ऐसे ऐसे लोगों से मिली जिनका हार्ट का ऑपरेशन मुफ्त में हुआ, कुछ देना नहीं पड़ा, सिर्फ जो पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे होते हैं वही दिए, और बाकी उनको बीमा मिल गया, उनकी का पूरा इलाज हुआ। तो हम ये 25 लाख का बीमा सबके लिए लाना चाहते हैं देश में, ताकि आप बीमार पड़े तो आपके लिए सुविधा हो। बहनों के लिए हमने तय किया है कि 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे, हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में आएंगे, क्योंकि हम ये पहचान रहे हैं कि आप पर बोझ कितना है। आज तक आप खेती में काम करती हो मगर मजदूरी कर ली तो आपको दिहाड़ी मिल जाएगी, घर की मजदूरी के लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना, मुफ्त में ही करते हैं हम। स्कूल के जो मिड डे मील वाली महिलाएं, आपके लिए भी योजना है। तो हमने सबसे पहले तो यह तय किया है कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं, सबसे बड़ी हैं परिवार में, उनके खातों में हम 8,500 रुपए डालेंगे, और जो मिड डे मील वाली महिला हैं और जो आंगनवाड़ी और आशा बहुएं हैं, आज तक आपका मानदेय नहीं बढ़ा, आपको कितना मिल रहा है? 2000, आपको तो 2000 मिल रहा है, बहुत महिलाओं को मिलता भी नहीं है, पूरा नहीं मिल रहा है, बीच से कोई ले भी रहा है। आप आशा बहु हैं, आप एक महिला को 9 महीनों के लिए आप देखभाल करते हो, और जब उसकी डिलीवरी होती है तभी आपको उसके मिलते हैं पैसे, है कि नहीं? और कभी कभी मैं जानती हूँ कि डॉक्टर पूरे नहीं देते, सच बात है कि नहीं, है ना? तो आपके लिए हमने तय किया है कि केंद्र से जो राशि आती है आपके मानदेय के लिए, उसको हम दुगना कर देंगे, तो आपके मानदेय बढ़ जाएंगे। और महिलाओं के लिए 50% सारे सरकारी जो रोजगार है वो महिलाओं को मिलेंगे। तो जो पहले से आरक्षण है, मतलब ओबीसी एससी जो आरक्षण है वो रहेंगे, उनके अंदर अंदर ओबीसी महिला एससी महिला को 50% रोजगार देंगे। नौजवानों के लिए, आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे आपको बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और आपकी पहली नौकरी पक्की हो जाएगी, 1 लाख रुपए सालाना आप कमा लेंगे, ये आपका अधिकार बन जाएगा, कानूनी अधिकार बनेगा। आपके लिए 5,000 करोड़ का फंड निकालेंगे ताकि आप अपना कारोबार शुरू करना चाहें तो कर पाएंगे, उससे सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे कि सख्त कार्रवाई होगी कोई किसी ने घोटाला करने की कोशिश की तो। किसानों के लिए आपके सारे सामान जीएसटी से मुक्त कर देंगे,
आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा और आपके कर्ज माफ होंगे। कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा जिससे जब जब आप संकट में हैं आप मदद मांग सकते हैं। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और इससे ज्यादा काम भी है, हर वर्ग के लिए, हर जैसे कोई प्रोफेशनल्स हैं, मिडिल क्लास है, सबके लिए हमारे न्याय पत्र में हमने लिखा है हम न्याय देना चाहते हैं। इस देश की जनता के साथ मोदी जी की सरकार ने बहुत अन्याय किया है, आपको गरीबी की खाई में छोड़ दिया है और बड़े बड़े खरबपतियों को और अमीर बनाया है, उनकी उनके लिए सारी नीतियां बन गई हैं। तो ये बात आप गहराई से समझिए। आवारा पशु की बात की मैंने, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, इसी तरह से आवारा पशु ने आतंक फैला रखा था, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमें इस समस्या को सुलझाना है, तो उन्होंने गौशालाओं को बहुत मजबूत कर दिया, तो गौशालाओं में सारी सुविधाएं दे दी। यहाँ की गौशाला देखी आपने, ये धर्म की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं और गौशाला में छप्पर तक नहीं लगाते, पानी नहीं है, चारा नहीं है, गैया ऐसे ही लेटी हुई है धूप में, मर जा रही है। मैंने देखे वो वीडियो, 2 साल पहले निकले थे सारे, 50 गाय ऐसे ही सूख के मर रही थी, कोई कुत्ते खा रहे थे उनके घाव, बुलडोजर से उनको दफनाया जा रहा था। वहां छत्तीसगढ़ में हमने अच्छी अच्छी गौशालाएं बनाई, उसमें महिलाओं को रोजगार दिया ताकि जो दूध मिल रहा था वो गांव तक पहुंच पाए, उसमें से खोया, बर्फी, दही कैसे बनाना है उसकी पैकेजिंग के लिए, कि अच्छी तरह से पैकेजिंग हो तो अच्छी तरह से बेच पाएंगे। ऐसी महिलाओं से मिली जिनका 60-70 हजार रुपए की कमाई हो गई थी गौशाला से। और एक और बात की हमारी सरकार ने, सुन लो कितनी अच्छी बात है, कि उन्होंने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। तो गोबर खरीदने से क्या हुआ कि जनता ने कहा अच्छा गोबर खरीद रही है सरकार, तो चलो हम पशु रख लेते हैं घर पे, हमारी आमदनी हो जाएगी। गोबर खरीद के सरकार ने गोबर गैस बना के आपके घरों में भेजा, तो सब खुश, आवारा पशु भी खुश, उसको खाने को मिल रहा था, उसकी देखभाल हो रही थी, आप खुश हो गए क्योंकि आपके गांव तक दूध भी पहुंच रहा है, गैस भी पहुंच रही है, रोजगार भी मिल रहा है बहनों को। आज कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां सारी बहनें फ्री में बस में यात्रा करती हैं, ऐसे घूम रही हैं कि पहले कभी नहीं घूमी, तीर्थ यात्रा कर रही हैं, अपने मायके जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, हमने फ्री कर दिया सारा। आज कर्नाटका तेलंगाना में जिस तरह से हम स्कीम पूरे देश में लाना चाहते हैं कि आपके खातों में 8,500 रुपए डालेंगे, वहां अभी पहले से ही 2,000 रुपए जा रहे हैं हर बड़ी महिला के घर। तो प्रमाण है कि हमने काम करके दिखाया है, आप यहां तो जानते ही हैं। तो सिर्फ आपसे एक आग्रह है, पिताजी की कर्म भूमि है, उनके प्रति दिल में मेरे बहुत श्रद्धा है, आपके प्रति श्रद्धा है क्योंकि आप वही जनता है जिन्होंने हमारी पूरी परिवार को आगे बढ़ाया, हमें सब कुछ दिया। तो एक ही आग्रह है कि जब आप अपना वोट डालोगे ना तो जागरूकता और विवेक से डालो, समझ लो कि इसका क्या मतलब है, अगले 5 सालों में आपके भविष्य में क्या होने जा रहा है, इसको हल्के में मत लो, आप किसी के कहने पे मत डालो। आपको हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये सब काम किए हैं, किसी से पता कर लो, कोई जान पहचान है, यहां से पलायन करके तमाम लोग गए हैं, पूछो कि ये सच है, प्रमाण लो और फिर अपना वोट डालो। अपना वोट अपने भविष्य को मजबूत करने का होता है, अपने लोकतंत्र, अपने संविधान को मजबूत करने का होता है, इससे आप ही का भविष्य बनेगा। नेताओं को कोई परवाह नहीं है, ज्यादातर नेता बना देते हो तो भूल जाता है, तो जवाबदेही तो आपको लानी है, समझ लीजिए आप इस बात को। अब यहां किशोरीलाल शर्मा जी आपके प्रत्याशी हैं, आइए आगे, इनको 40 सालों से इन्होंने सेवा ही की है अमेठी की,
गांव गांव को जानते हैं, आप किसी भी सड़क पे ले जाओ, बता देंगे कि कब बनी, किसने बनाई, कहां पे टूटी थी, किधर मरम्मत हुई और कहां पे अभी फिर भी ठीक करनी है। किसी की भी समस्या हो हम इनको पकड़ाते थे, आप दरख्वास्त देते थे, हम दरख्वास्त इनको देते थे, बोलते थे जाइए जांच करिए और यहाँ पे समस्या हल करिए। तो समस्या हल कैसे करनी है वो भी जानते हैं, आपके बीच घुल मिलते हैं, आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो आपकी समस्याओं को भी समझते हैं। और फिर इन्होंने हमारे जैसे राजनीति के बारे में हमारे पिताजी से सीखा, एक सभ्यता रही है हम सब की कि हम आपकी श्रद्धा करते हैं और इनकी भी है। तो इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए। यहां से एक बार फिर वही पुरानी राजनीति जो सच्चाई की राजनीति थी, सेवा की राजनीति थी, वही वापस लाइए और अपनी खुद की तरक्की करिए। यही कहना चाह रही थी, आप कुछ कहना चाह रही हो ना? माइक है? महिला गरीब थी तो वो लोग बहुत परेशान थे, साहूकार दस दस हजार रुपये धरे थे। वो जिन में फारिश पड़ी है, पहले ठीक थी मैं, फिर महिलाओं ने समूह बना लिया, मैंने बाद गांव में हम लोग मैं पढ़ाई गए थी कोषाध्यक्ष हमारे शेर वाली ग्राम संघ। आप कोषाध्यक्ष जी? दीदी हमारा ग्राम अच्छा चलता था, जब बहन पैसा लेना होता था वो मेरे पास आते थे कि दीदी पैसा निकला था, हम दे दे सबको दे दे पैसा, देने में ज़्यादा काम करके वो लोग वापस करती हैं, वो जमा करते हैं हम लोग को, जमा करते थे पैसा तो बहन लिया, घर बनाया, पढ़ाया, अपना काम बढ़ाया अच्छे से। दीदी सब होते हुए काम अच्छा चला, सारी बहनों ने इतनी अच्छी मदद किया कि राहुल भैया को हम जिता के आगे बढ़ाएंगे, सब बहनों ने पूरे गाँव बहनों ने जिता आगे बढ़ाया। वहाँ कोई नहीं, वो परियोजना का कार्यक्रम जो था ना वो आपको मालूम है कैसे शुरू हुआ? जी मालूम है पूरा, मैं हैदराबाद गई हूँ। अच्छा जी, मैं गई हूँ, मैंने पूरे प्रदेश में काम यहाँ किया है। हाँ। बहुत दूर गई मैं। तो उस समय सुविधा होती थी? हाँ, मैं लेकिन थी। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा आक्रमण किया इस पे। हाँ जी, और इन्होंने कहा कि हम जमीन चुरा रहे थे और पता नहीं क्या क्या, मेरे ग्राम संघ ने पैसा बंद कर दिया, इसको बंद करना, बंद कर दिया, पैसा भी नहीं मिला। वो मैंने जान दी थी, कोशिश करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा कुछ दोबारा शुरू करने का। ऐसा अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़े, सब बार छुट्टी पाए, पा गई, ठीक है बहन, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।